हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनीता की दुनिया। आज मैं बहुत ही शानदार डिश लेके आई हूँ, वो है गोली इडली। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है, सुपर इजी रेसिपी है, बहुत अच्छा लगेगा। लाल चटनी और कोकोनट चटनी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। बताती हूँ मैंने कैसे बनाया। पहले तो हमने एक कढ़ाई ले लिया है, उस पर हम फुल एक ग्लास पानी डाल देंगे। मैंने फुल एक ग्लास लिया है इसमें। उसके बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह बॉईल होने देना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह बॉईल हो गया। उसके बाद सॉल्ट को डाल देंगे, सॉल्ट को भी बॉईल, सारी चीज़ों को बॉईल होने देंगे। उसके बाद एक टेबलस्पून हम घी डालेंगे इसमें, और घी डाल के उसको भी बॉईल होने देना है। उसके बाद हमने चावल का आटा रखा था, एक कप रखा था। उसको वो जो पानी है बहुत ही अच्छी तरह उस पर मिलाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह। मेरे वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, देख सकते हैं आप। अब देख सकते हैं हमारा जो चावल का आटा था वो बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छी तरह हो गया है। अब देख सकते हैं बिल्कुल भी गुठली कुछ भी नहीं है हमारा। इसको हम गैस को पूरा सिम करके एक 5 मिनट तक रखेंगे। एकदम 5 मिनट ही रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेंगे तो जलने की संभावना है। इसके वजह से 5 मिनट तक ढक के रख देंगे इसको। बहुत ही अच्छी तरह, बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी डिश है ये। बहुत ही मतलब कुछ भी आपको ऑयली नहीं मिलेगा इसमें, बहुत अच्छा लगता है ये। और ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद करते हैं इसको लोग खाने में। देख सकते हैं हम इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था ढक के, अभी रेडी हो गया हमारा। आप देख सकते हैं मैंने एक बाउल पे निकाल दिया है, उस पर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के हम बहुत ही अच्छी तरह हाथों से पीसना है, हाथों से बहुत ही अच्छी तरह, क्योंकि गर्म होगा। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के हम हाथों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह मिला देंगे। एक जैसे हम रोटी बनाते हैं, रोटी का डो बनाते हैं, उस तरह बना देंगे। जिस तरह हम बहुत ही अच्छी तरह आपको आप गोल कर सकते, सर्कल दे सकते उसका, उस तरह हमको बहुत ही अच्छी तरह हमको डो को प्रिपेयर कर देना है। आप देख सकते थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं किस तरह इसको बना रही हूँ, उस तरह ही आप करिए। थोड़ा थोड़ा पानी मिला के मैंने इस तरह बनाया है। उसके बाद आप देख सकते हैं तो मैंने टोटल इसमें 4 टेबल स्पून का वाटर इस्तेमाल किया है। ये सारे होने के बाद 4 टेबल स्पून लगता है इसमें वाटर, और वाटर जो है बहुत ही अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाता है और हाथों से अच्छे से फिसल जाता है। देख सकते हैं इसको हम हाथों की मदद से छोटा 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 गोली जैसा गोल बना देंगे, सर्कल जैसा बना देंगे। बहुत ही अच्छी तरह छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह पक जाएगा। आप देख सकते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना देंगे ना, वो बहुत ही अच्छी तरह नहीं पकेगा अंदर तक। इसके वजह से हम छोटा छोटा ही बनाएंगे, इसके वजह से बहुत ही अच्छी तरह पक जाएगा। रेडी हो गया हमारा, हमने रेडी कर दिया है। अभी इसको हम जैसे हमने मोमो पकाया था, मोमो बनाया था, उस तरह हम छन्नी की मदद से हम ये गोली इडली को भी पकाएंगे। जैसे भी इडली पकाते आप इडली जार पे भी कर सकते इसको, और इस तरह भी कर सकते। मैं तो राइस कुकर पे कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो आप इडली जार पे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमने राइस कुकर को बहुत ही अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। राइस कुकर भी गर्म हो चुका है। इसके ऊपर छन्नी की मदद से हमने जो गोली इडली रखा था उसको रख देंगे इसके ऊपर, और पूरे
15 मिनट तक पकने देना है। जब तक हमारा इडली पक जाए हम उसके लिए रेडी कर रहे हैं तड़का। आप देख सकते हैं हमने तो पहले जीरा डाला था, ऑयल डाल के जीरा डाला था, उसके बाद हमने राई 1 टेबल स्पून और ग्रीन चिल्ली और छोटा छोटा पीसेस जिंजर को कट करके उसको भी डाल दिया है। उसको भी बहुत ही अच्छी तरह पकने देना है। और चना का डाल 1 टेबल स्पून और उड़द डाल 1 टेबल स्पून, उसको भी डाल के बहुत ही अच्छी तरह पकाएंगे हम। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह पकाना है। आपके पास अगर तिल है इस टाइम बहुत ज़रूरी है तिल डालना। तिल डालेंगे तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। रेडी हो गया हमारा, 15 मिनट रेडी हो गया, एकदम 15 मिनट पे मैंने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह हमारा जो गोल इडली है पक चुका है और रेडी हो चुका है। अभी तड़के में जाएगा हमारा जो गोल इडली था, वो तड़के में जाएगा और बहुत अच्छी तरह कुक होगा। वो तड़के में हम उलट पलट के बहुत ही अच्छी तरह इसको भी पकाएंगे। हम इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी मिला देंगे, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया का पत्ता तो बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ों में, इसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको ढक के 5 मिनट तक पकाना है। ज़्यादा नहीं पकाना है, एकदम स्लो फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है। आप देख सकते अभी मैंने ढक दिया है, अभी 5 मिनट के बाद निकाल के देख रही हूँ हमारा गोली इडली जो है पूरा रेडी हो गया। अभी हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। हमने ले लिया है चना का दाल और हमने ले लिया है कोकोनट और 2 ग्रीन चिली और छोटा छोटा पीसेस अदरक। और हम इसमें कढ़ाई में सारे चीज़ डाल देंगे और जीरा थोड़ा सा डाल के, नमक थोड़ा सा डाल के बहुत ही अच्छी तरह पकाएंगे। और कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं डाला मैंने। और उसको ठंडा कर देंगे। बहुत ही अच्छी तरह ठंडा होने के बाद हम ग्राइंडर में 5 टेबल स्पून वाटर ऐड करके उसको हमने रेडी कर दिया है कोकोनट चटनी को। कोकोनट चटनी बहुत अच्छा लगता है गोली इडली में या फिर नॉर्मल इडली में, आप घर पे बनाइए और बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। उसके बाद कोकोनट चटनी के लिए तड़का, इस पर हम कड़ी पत्ता पहले डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा उड़द दाल और इसमें डालेंगे थोड़ा राई और हम इसमें डालेंगे रेड चिली, एक तोड़ के डाल दिया है। इसको बहुत ही अच्छी तरह पकाएंगे स्लो फ्लेम पे। और इस तड़के को हम डाल देंगे कोकोनट चटनी पे। रेडी हो गया हमारा कोकोनट चटनी। अभी हम रेडी करेंगे रेड चिली चटनी को। आप देख सकते हैं हमने लिया है एक छोटा सा जार, उस पर हम 1 टेबल स्पून डाले हैं रेड चिली को। उसके बाद हम इस पर 2 लहसुन की कलियां और 1 बड़ा प्याज कट कट के डाला है। उसके बाद हम इस पर डालेंगे, अब देख सकते हैं हमने डाल दिया है कड़ी पत्ता और थोड़ा सा जीरा और हमने डाल दिया है रेड चिली को। अब चाहे तो रेड चिली की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब ग्राइंड करने के बाद ऐसा दिखता है हमारा। उसके बाद तड़का भी इसके लिए बनाएंगे हम, थोड़ा सा कड़ी पत्ता उड़द दाल और राई डाल के इसका तड़का बना देंगे। रेडी हो गया वो भी तड़का, रेडी हो गया है हमारा गोली इडली विथ 2 टाइप की हमारा चटनी, एक तो कोकोनट की एक तो रेड चिली की। कैसा लगा मेरी रेसिपी आपको, आप मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरी रेसिपी आज का गोली इडली। आप जानते थे क्या इस बारे में, ज़रूर बताइए। ऐसे ही देखते रहिए मेरे चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो।